नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबी के हाथों एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, जहां अभी तक आपने देखा होगा कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और साथ ही सैमुअल मिरांडा के खिलाफ बहुत ही लंबी चौड़ी चार्जशीट दायर कर चुकी है। तो एनसीबी बहुत जल्द अब उन तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी बयान दर्ज कराने वाली है, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। और दोस्तों, इनका बयान दर्ज होने के बाद दो बड़े खुलासे होंगे। पहला ये कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है या फिर नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपोटिज्म हुआ या फिर नहीं, सुशांत नेपोटिज्म के शिकार थे या फिर नहीं। और दूसरा बड़ा खुलासा यह होगा, इन एक्ट्रेस के माध्यम से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और साथ ही श्रद्धा कपूर के माध्यम से कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जो जाल बिछा हुआ है, वो कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जो ड्रग्स को छूते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए तो एनसीबी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और एनसीबी ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि अब इनको बुला करके पूछताछ करना है। हालांकि आपको बता दें कि एनसीबी की टीम ने अभी तक ये जाहिर नहीं किया है कि ये किस तारीख को इनका बयान दर्ज कराने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एनसीबी इतना लंबा चौड़ा चार्जशीट लेकर के आई है, इससे तो ये साफ पता चलता है कि एनसीबी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इस केस में छानबीन कर रही है। वरना 40-50 हज़ार पन्नों का चार्जशीट दायर नहीं होता है, लेकिन एनसीबी ने ये किया है, मतलब इनके गुनाहों की लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। अब दोस्तों, बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी बड़ी मछलियां जो कि आज के टाइम पर बॉलीवुड में राज कर रही हैं, उनका पर्दाफाश होने वाला है, उनका खुलासा और उनके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। इस वजह से बॉलीवुड की बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस टाइम पर डरे हुए हैं और एनसीबी की छानबीन को देखकर वो पूरी तरह से घबराए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एनसीबी ने गोवा में मादक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, ये मादक तस्कर भी सीधे सीधे बॉलीवुड से और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो मादक तस्कर पकड़ा गया है, ये सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ये सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचाता था या फिर नहीं, इसका एनसीबी जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। दूसरी तरफ ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि आज जो तस्कर पकड़ा गया है, यही सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स की सप्लाई लेकर के आता था। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि क्या ये रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही लेकर के आता था या फिर ये अपनी मर्जी से या फिर ये सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर लेकर आता था। लेकिन कुल मिलाकर के ये पता चल चुका है कि एनसीबी ने ये साफ कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से इस केस में संलिप्त हैं और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के आसपास एक ड्रग्स का जाल बिछा दिया था। जो भी सुशांत सिंह राजपूत से मिलता था, वो पूरी तरह से ड्रग्स लेता था। और पिछले 2 साल से करीब सुशांत सिंह राजपूत से ऐसे ही लोग ज्यादा मिल रहे थे जो कि ड्रग्स लेते थे। अब समीर वानखेड़े ने इस केस में पूरी तरह से जांच का चालू कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत के वकील का भी ये कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस तेजी से इस टाइम पर सामने उभर करके आया है, ऐसे में ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से जेल जाने वाली हैं और साथ ही वो तमाम लोग जो बॉलीवुड में रह करके और ड्रग्स का नशा करते हैं और बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में उनकी खैर है नहीं और बहुत जल्द वो सभी आप सभी को सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं, क्योंकि एनसीबी पूरी तरह से उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।